अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची एक नामालूम श्रीलंकाई नौकरानी को उसी मुल्क की फ़्लाइट पर वापस भेज दिया गया जब उसे पता चला कि उसे मुल्क से निकाल दिया गया था। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक एक नामालूम सीरियाई को नौकरानी के लिए घरेलू वीज़ा मिला, लेकिन अजीब बात यह है कि वजारते दाखला में मुतालिक डिपार्टमेंट ने वीज़ा कैसे जारी किया जब उसका नाम सिस्टम में है कि उसे मुल्क में दाखिल करने से रोक दिया गया है। तहकीकात की जा रही कि खातून को वीज़ा कैसे जारी किया गया। दोस्तों आप सभी को जानने की ये एक तरह से अच्छा रहेगा कि अगर जो लोगों को दोबारा कुवैत आने पर पाबंदी लगा दी जाती है तो उनको वीज़ा ही जारी न किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि वीज़ा नहीं जारी किया जाता है जिन पर कुवैत आने पर दोबारा पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी कई लोगों को वीज़ा जारी हो जाता है जिन पर कुवैत दोबारा आने पर पाबंदी होती है, फिर भी उनको उन पर उनको जो है वीज़ा जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे में इस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि जो लोगों को कुवैत से दोबारा यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, दोबारा आने पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो उनको वीज़ा बिल्कुल भी जारी न किया जाए। क्योंकि बंदा इतना पैसा लगाकर वहां पर पहुंचता है और एयरपोर्ट से जब वापस होना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक एशियाई गैर मुल्की ने एक नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसने कुवैत म्यूनसिपालिटी का अधिकारी होने का दावा किया और एक एशियाई गैर मुल्की से 200 कुवैती दिनार जहरा के इलाके में उससे चुरा लिया। एक सिक्योरिटी जराए के मुताबिक एशियाई गैर मुल्की ने सिक्योरिटी एहलकार को खबर किया कि मुलजिम ने कुवैत म्यूनसिपालिटी का अधिकारी होने का दावा किया और उसने उसे गाड़ी से बाहर निकलने का हुक्म दिया। मुलजिम ने उसके बटुए को देखने की मांग की, जब उसने अपना बटुआ निकाला तो मुलजिम ने उसके पैसे लिए और मौके से भाग गया। मुलजिम को तलाश करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अब insoline.moh.gov.kw पर ऑनलाइन प्रोसेस किया जाएगा और बताया गया है कि ऑनलाइन लॉगिंग .jsp इससे जुड़ने से संडे से मैनुअली तौर से शुरू होने वाले हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोसेसिंग बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इस वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा और जो आप ऊपर वेबसाइट देख रहे हैं उसको शुरू किया जाएगा और जो नीचे वाली वेबसाइट है उसको संडे से बंद कर दिया जाएगा। बताया गया है यानी जराए के मुताबिक बताया गया है कि ये जो फेरबदल किया जा रहा है ये सर्विस में सुधार लाने के लिए ये फेरबदल किया जा रहा है ताकि बेहतर जो सहूलियत है वो गैर मुल्कियों को फराहम की जा सके। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पार्किंग की समस्या को लेकर नईम इलाके में झगड़ने के दौरान 3 नौजवानों ने छुरा घोंप कर जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक जब वजारत दाखला के ऑपरेशन रूम को 3 आदमियों के बीच लड़ाई की खबर मिली तो जहरा सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए। हालांकि उन्हें पता चला कि झगड़े के दौरान मुलजिम लोगों को इलाज के लिए जहरा अस्पताल में ले जाया गया था क्योंकि वो झगड़े के दौरान जख्मी हो गए थे। सिक्योरिटी एहलकार अस्पताल पहुंचे और पता चला कि लड़ाई एक गाड़ी की पार्किंग से मुतालिक थी। वो मुलजिम के इलाके की निगरानी कर रहे हैं और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत 30 दिनों तक लगातार तहकीकात करने और चोरी की तफसीलात को फॉलो करने के बाद क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट ने ब्लू पिंक वैगन के ड्राइवर और उसके मोटे दोस्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जो कानून के दायरे में था। मुल्क के अलग अलग इलाकों में चोरी होने की खबरें थी। अलम्बा रिपोर्ट के मुताबिक एक सिक्योरिटी जराए ने कहा कबाड़ चौकी के सदा शख्स को सालमिया में मेन मुलजिम पर शक था, लेकिन जब बाद में पुलिस की मौजूदगी में उसे होश आया तो वो चौथी रिंग रोड से होते हुए रिक्का की तरफ भाग निकला, लेकिन उसे पीछा करके गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में उसने इल्जामों से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब वो सबूतों से मुकर गया तो खेतों की रखवाली करने वाले लोगों को लाया गया जिन्होंने उसे चोरी करते हुए देखा था। उसने कबूल किया कि उसने और उसके मोटे दोस्त ने अलग अलग इलाकों में खास तौर से कबाड़ और वफरा में लगभग 16 डकैती की। पूछताछ के दौरान उसने अपने दोस्त के साथ महंगी भेड़ और बिजली जनरेटर समेत कई मवेशियों को चुराना कबूल किया। बिक्री की आय से उसने ड्रग्स खरीदे। उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
तो दोस्तों ये थी कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।